हेलो दोस्तों, हम आपको आज G4 मदरबोर्ड जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बटा हुआ है और इसका काम भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको करने को मिलता है। अगर आपके शॉप में दिन भर में 4 लैपटॉप बनने आते हैं तो ये मान लीजिए उसमें से एक या दो ये होने ही हैं, और अभी ये एक प्रक्रिया करीब 2-4 साल इसी तरह चलती रहेगी और ये बोर्ड आते रहेंगे। तो इसमें से हम आपको इसका एक परिचय कराएंगे कि कौन सी आईसी का क्या काम है और कितने इसमें सेक्शन बने हुए हैं, किस आईसी के क्या होता है, कौन सी चार्जिंग आईसी है, कौन सी बूस्टर आईसी है, कौन सी आईसी से डिस्प्ले का संबंध है, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें जानकारी मिलेगी। और कौन सी आईसी रैम की है या प्रोसेसर किस आईसी की वजह से काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास कभी ये बोर्ड आता है तो आप प्लग इन कराते हैं, तो प्लग इन यानी कि चार्जिंग पॉइंट ये इसमें देखने को आपको मिलेगा। ये प्लग इन पॉइंट है, यहाँ से वोल्ट इन होता है और वोल्ट इन होने के बाद आगे जा करके ये 3-5 की आईसी जो ये लगी हुई है आपकी, ये आईसी जो है ये 3-5 की है। नंबर आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, 51125। ये 3-5 के वोल्ट को मेंटेन रखती है। इसके ठीक आगे एक आईसी लगी हुई है जो कि ये बूस्टर आईसी है, ये 28 वोल्ट निकालती है जिससे कि ये वाला मॉस्फेट ऑन होता है। इसकी गेट पे 19 वोल्ट एक्टिव होते हैं और यहाँ पर ये ड्रेन गेट टू सोर्स पे आने के लिए जब तक 28 वोल्ट का इसको कमांड नहीं आएगा तब तक ये सोर्स पे 19 वोल्ट पास नहीं होंगे। ये अगली स्टेप है, यहाँ आपको चेक करना है। इसके बाद में जब ये 3-3-5 की सप्लाई आपके यहाँ बन जाती है ये इन कॉइलों पर, ये जो कॉइल हैं ये आप देख रहे हैं, ये 3-5 की कॉइल है, एक ये है, ये 5 की है और ये 3 की है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए आपको ये मिल रही है, ये रही, ये आपकी रैम आईसी है और उसकी के आगे ये आपकी ये बड़ी सी आईसी जो आपको दिख रही है ये आईओ कंट्रोलर है। इससे सारे बोर्ड की कंट्रोलिंग पावर इसी की होती है, हर आईसी को कमांड और टाइमिंग का काम यही करती है। सभी आईसीओ के ऊपर सुपरविजन रखना इस आईओ कंट्रोलर का काम होता है। इसके बाद में ये वीआरएम सेक्शन बना हुआ है, यानी कि ये आपके प्रोसेसर की ये जो 4 मॉस्फेट आपको दिख रहे हैं इस बंच को ये आईसी ऑपरेट करती है। इसी तरह से एक ये प्रोसेसर के लिए ये कॉइल यहाँ पर लगी हुई है और ये भी वीआरएम सेक्शन की ये वीआरएम सेक्शन की कॉइल है। और ये आपको सीपीयू सॉकेट दिख रहा है, इसको हम बाहर से दिखा देते हैं। ये वाला ये हीट सिंक सेक्शन है, यहाँ पर जब प्रोसेसर हीट होता है और जब ये प्रोसेसर हीट होता है तो ये इसकी जो गर्मी है ये इसके द्वारा, ये कॉपर की ये पाइप है इसके अंदर गैस होती है, इसके द्वारा ये पाइप से यहाँ पर आती है और ये फ़ैन, इसको जब ये फ़ैन रन करता है तो ये इसकी वजह से सारी हीट बाहर के लिए निकल जाती है। और ये भी एक बहुत अच्छी ख़राबी इसमें आती है कि कभी कभी इसमें फ़ैन के पास यहाँ गंदगी हो जाती है, काफ़ी सारा रेसा जम जाता है, तो हम जब इसको साफ़ कर देते हैं थर्मल पेस्ट लगा कर फिर से बांध देते हैं तो मेरी हीटिंग की प्रॉब्लम भी इस बोर्ड की सॉल्व हो जाती है। इसके बाद अगला सेक्शन ये आता है लास्ट में, ये चिप है, ये आपका ग्राफिक्स कंट्रोल करने का इसका काम है। लास्ट स्टेप की सप्लाई यहीं पर बनती है और यहाँ पर इसकी ये सप्लाई सेक्शन है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक क्वाइल
और ये दो मॉस्फेट लगा करके ये इसका VRM सेक्शन बनाया गया है, जो कि इस चिप को AMD इस चिप को सप्लाई देता है। अब ये सप्लाइयाँ कितने वोल्ट की होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे की स्टेप में बताएंगे। और फ़िलहाल यहाँ पर ये आपके ऑडियो के जैक हो गए, ये ऑडियो के जैक हैं, ये आपके USB हैं, और ये HDMI पोर्ट है, और ये आपका SD कार्ड स्लॉट है, ये आपका DVD राइटर का एक HDD केस है, ये आपका एक DVD राइटर का जैक है, जो कि अभी ये दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जैक, ये आपका DVD राइटर का जैक, एक इसी तरह से ये HDD के लिए, हार्ड डिस्क के लिए जैक, और ये जो आप देख रहे हैं ये पट्टा जो है ये वाला, ये इसमें हमारा ऑन बोर्ड तो नहीं, लेकिन बाहर से एक USB जैक लगता है जिसका पट्टा यहाँ पर आता है, एक USB यहाँ से ऐड होता है और दो दो USB आपको मिलते हैं। इस लैपटॉप में आपको टोटल 3 USB मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक ये डिस्प्ले का जैक है, 40 पिन की डिस्प्ले का ये जैक है, देखिए 40 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 40 पिन का जो डिस्प्ले का जैक है इसमें से कनेक्शन हो करके डिस्प्ले तक पहुँचता है। और ये जो IC आप बड़ी सी देख रहे हैं, ये डिस्प्ले आउट ना होने की कंडीशन में इसकी जिम्मेदारी बनती है, और ये IC खराब भी होती है। इसी तरह से बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो आपको सर्किट डायग्राम में देखने को मिलेंगी। ये छोटा सा परिचय था जो आपको चीज़ें VRM सेक्शन के साथ बताई गई हैं। ये मुख्य ICयां हैं जो इन पर ये काम करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। इनकी एक पर्सनल टेस्टिंग है जो आपको पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। ये इसका ये क्रिस्टल लगा हुआ है, और एक ये इस IC का मेन क्रिस्टल ये वाला, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है तो हमारा ग्राफिक्स आउट नहीं होता है, तब हम इसको बदलते हैं।